मध्य प्रदेश में रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम कई अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ चुकी है। ऐसा ही एक मामला छिंदवाड़ा में सामने आया, जहां लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने फॉरेस्ट रेंजर को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जी हां, छिंदवाड़ा में एक फॉरेस्ट रेंजर द्वारा फर्नीचर व्यापारी से केस न बनाने और रेंज में काम करने के एवज में 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसकी शिकायत व्यापारी ने लोकायुक्त में की है। इसके बाद टीम ने घेराबंदी की और 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए फॉरेस्ट रेंजर को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि फर्नीचर व्यापारी से फॉरेस्ट रेंजर दिलीप सिंह भलावी 1,00,000 रुपए मांग रहे थे, जिन्हें पकड़ा गया है। हमारे फरियादी हैं दत्तू बढ़ाई, राजना के निवासी हैं ये। इनका फर्नीचर का काम चलता है। इनको इनका केस न बनाने और जो इनका फर्नीचर का काम चलता है उसको चलाने के एवज में रेंजर हैं यहाँ के दिलीप सिंह भलावी पांडवना के, इनके द्वारा 1,00,000 रुपए की डिमांड की गई थी। आज हमने उनको 50,000 रुपए लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। मामले में फर्नीचर व्यापारी ने कहा कि रेंजर 1,00,000 रुपए मांग रहे थे। लकड़ी ये तू चोरी करते हो भाई, ये बोलते हैं। अरे भाई, हम ऑप्शन खरीद रहे हैं, हम लकड़ी से माल ला रहे हैं और हमारे बाल बच्चों का पेट मार के इनको दे रहे हैं। कितनी राशि मांगी थी? 1,00,000। फिर आज कितने दिए थे? आज 50 दिए। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में लोकायुक्त आगे और क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, छिंदवाड़ा।